Hello student, welcome to Swami Vegan Institute. My name is Nirdosh Kumar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिकोडिंग एंड कोडिंग्स जो चल रहा था उसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। सेशन को लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। सेशन को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अब जस्ट नज़दीक ही आने वाला है, ठीक ना। तो आप आई होप जोरों शोरों से लग गए होंगे एग्ज़ाम के लिए और जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उनको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन को और पूरे होल सिलेबस को हम दोबारा रिवाइज करने की स्टार्ट कोशिश करते हैं। चीज़ों को जितना हो सके उतना जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने कल कराए हुए थे आपके पास और एक लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन हुए थे और कुछ क्वेश्चन में बाकी थे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे कि फिश इज रिटन, फिश जो है उसको रिटर्न किया जा रहा है। उसको रिटर्न किया जा रहा है जो फिश है आई एस एच रिटर्न कर रहे हैं आपके पास ई एच आर जी। इसको हम इस प्रकार से रिटर्न कर रहे हैं तो इन सर्टेन कोड वुड जंगल रिटर्न, आपको जंगल को रिटर्न करना है। आप चेक कीजिए आप चीजों को यहाँ पे कि एफ के बाद क्या आता बेटा यहाँ पे माइनस वन, क्योंकि ई पहले आता है और एफ बाद में आता है तो माइनस वन ले लेंगे यहाँ पे। ई के बाद बेटा क्या आता है, एच के बाद बेटा क्या आता है आई आता है और आई यहाँ पहले है तो इसका बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे एच माइनस वन एस आर माइनस वन, ठीक है माइनस वन माइनस वन माइनस वन। यहां मेरे पास जंगल जी यू एन जी एल ई जंगल इज रिटन बी कोटेड बेटा वैसे यहां पे इसको रिटन कोड किया जा रहा है चीजों को यहां पे कि जे बेटा क्या होता है आई एक माइनस बेटा माइनस वन करना है यहां पे आई माइनस बेटा वन यहां पे टी माइनस वन यहां पे एम जी का बेटा एफ और एल के बाद बेटा क्या आ गया उसके पहले एल के बाद के और ई के बाद डी। बस कोड हो गया क्योंकि आपसे जो फर्स्ट कोडिंग बोला गया वो जस्ट आपसे ये अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग है बेटा चीजों को अल्फाबेट से अल्फाबेट कुछ सिंगल टर्म्स दे रखा है तो आप इसका पोजीशन चेंज कर चेक करेंगे या फिर उसकी नंबरिंग चेक करेंगे और कोई बेटा इसमें वर्डिंग नहीं होती कुछ सिंगल दे रखा है इस प्रकार से आप ओनली उसकी पोजीशन चेक कीजिए या फिर उसके अल्फाबेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज बस दो यहाँ कंडीशन फॉलो होती है और कोई तीसरी कंडीशन यहाँ फॉलो होती ही नहीं चीजों को यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया आई टी एन आई टी एन एफ डी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को, ठीक है। इफ द समर इज कोटेड समर एस यू डबल एम आर समर इज कोटेड रनर आर यू एन एन ई आर रनर। अब आपसे बोला गया कि कोड फॉर विंटर कोड फॉर विंटर 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 कोड फॉर विंटर। अब यहां चेक करेंगे चीजों को हम यहां पे एस के बाद पहले बेटा क्या आता है बेटा आर आता है माइनस वन तो माइनस वन बेटा यहां पे क्या होगा चीजों को बी बी माइनस वन बेटा यहां पे कितना बी। अब यहां चेक कीजिए बी किस किस में आ रहा है बस काम खत्म इनसे कोई मतलब नहीं हमको बस ओनली एक वर्ड हमने चेक किया यहां पे तो पूरा कैंसिल आउट यहां पे चीजों को बस बी आ रहा था यहां पे और आपको आर यहां पे सेम आ रहा था यहां लास्ट में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा ई के बाद यहां ई आ रहा था चीजों को ई आर हो जाएगा आप चेक कीजिए और एम के बाद क्या आता है एन आता है टी के बाद बेटा क्या आता है चीजों को यहां पे यू आता है बस हो तो गया यू ओ आई डी बस। तो इसी प्रकार से आपको चेक करना है बेटा कि कोई एक वर्ड चेक करना है स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला
और पूरा बेटा और आंसर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी चीजों को। आप यहाँ देखिए इन सर्टेन कोड बेसिक रिटर्न डी डी एल ई, जो बेसिक का कोड है बेटा यहाँ पे बी ए एस आई सी, इसका जो कोड दिया जा रहा है बेटा यहाँ पे डी डी यू एल ई एल ई बेटा कोड दे रखा है कि देन हाउ इज लीडर ए रिटर्न कोड। आपसे बोला कि लीडर का कोड क्या होगा, एल ई ए डी ई आर, लीडर का कोड बताना बेटा फर्स्ट, और बेसिक का कोड हमको मालूम है बेटा। चीजों को अब बेसिक के कोड क्या चीजों को आप यहाँ पे देखिए कोड क्या आपसे बोला जा रहा है, सिंगल यहाँ पे सिंगल कोड क्या बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे इसके जस्ट बेटा पॉजिटिव वन बेटा चीजों को यहाँ पे पॉजिटिव वन हो रहा है चीजों को। ऐसे नहीं एफ एन डायरेक्टली ऐसे के दिया आपने यहाँ पे चीजों को डायरेक्टली करें चीजों को यहाँ पे बेसिक बी ए एस आई सी बस डी डी यू एल ई एल ई। चलिए ये कितना बढ़ रहा है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव टू, यहाँ पे कितना पॉजिटिव टू, अब पॉजिटिव टू बेटा कितना होता है यहाँ पे एन एन, और एन कहाँ बेटा यहाँ चीजों को ए कैंसल आउट और ए कैंसल आउट क्योंकि एन बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि एल के बाद बेटा क्या आता है चीजों को एम और एन, और बी के बाद कितना आता है सी और डी, मतलब पॉजिटिव टू बढ़ा दी चीजों को यहाँ पे एल पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव थ्री। अब क्यों ना बेटा ई के बाद क्या आएगा एफ जी एच पॉजिटिव थ्री एन एच बस बी ऑप्शन बेटा यहाँ पे आपको पूरा करना ही नहीं है, पूरा करना ही नहीं चीजों को डायरेक्टली करना चीजों को आपने आपने देखा कि इसमें बोला जा रहा है कि डायरेक्टली टू बढ़ा मैं टू बढ़ाया एल के बाद बेटा यहाँ पे पॉजिटिव टू आया चीजों को। जब पॉजिटिव टू मेरे पास आ रहा है तो दो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल आउट ओ और ओ वाले बेटे यहाँ पे बचे क्या मुझे स्टार्टिंग चाहिए यहाँ पे एन से, तो एन से स्टार्टिंग करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन बचे यहाँ पे। जब सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि इसमें जी है और इसमें एच है, तो बस एक और चेक करना था मुझे यहाँ पे एक और चेक करना था। अब ए के बाद कितना है यहाँ पे डी आ रहा है और जस्ट तीन नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ई के बाद प्लस थ्री मतलब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा एच, ई के बाद बेटा क्या आता है एफ जी एच यहाँ पे कितना प्लस थ्री, तो मतलब यहाँ पे जो जी वाला था ए बी कैंसिल आउट, तो बचा कितना बेटा यहाँ पर। तो यही चीज का फायदा होता है कोडिंग में, आपको हर चीज पूरी पूरी प्रोसीजर नहीं दिखाई जाती किसी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड, इतना आई होप बेटा इतना समझ में आ रहा होगा। जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो बेटा एनी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो आप क्लेरिफाई करिए चीजों को। जैसे भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो आप लेक्चर्स देखिए प्रॉपरली, मैं तो आपसे बोलता हूँ जब हम लोग लाइव आते हैं तो आप प्रॉपरली लाइव बने रहिए और कमेंट बॉक्स को भरा रहने दीजिए, अपने आप को कमेंट बॉक्स इतना कमेंट बॉक्स कीजिए मतलब भरिए कि हाँ हम समझ सकें कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और क्या और इस सब चीज़ों में मैं आपको इस दिन मैथ भी पढ़ा रहा था या रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें चीज़ों को, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पीड में कोई दिक्कत आ रही है तो मान लीजिए कि आपको दिक्कत होने वाली चीजों को। चलिए इस सवाल बनाइए आप, कोई भी सवाल है बेटा, आपको यहाँ पर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइमर नहीं लगाना है इसको। 10 सेकंड बेटा बहुत बड़ी बात टाइम होता है, 10 सेकंड मिनट में 10 सेकंड बहुत बड़ा टाइमर होता है चीजों को सवाल को सॉल्व करने के लिए चीजों को, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया इफ द कोड फॉर मदर, मदर का बेटा कोड क्या है, माता नामो बेटा कोड है मेरे पास जे आर क्यू के बी यू, ठीक है। देन
what is the code of principle? P R I N C I P A L, इसका कोड बताना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो यहाँ देखेंगे एम आ रहा है बेटा चीजों में, यहाँ पर तो अलग अलग टर्म्स लगेंगे चीजों को। अब चेक कीजिए यहाँ पर एम और जे बेटा अंतर किस बात का है। एम और जे है इसमें कितना अंतर है, एम जे पहले आता है और एम बाद में आता है, तो उल्टा बेटा रिवर्स जा रहा है चीजों को, यहाँ पर रिवर्स जा रहा है। तो एल के एल एल के जे माइनस थ्री मतलब बेटा यहाँ पर, और इसका माइनस थ्री बेटा क्या होगा चीजों को, माइनस थ्री मतलब यहाँ पर एम एम बस एम। ऑफन चेक करते हैं चीजों को। अब ओ बेटा पॉजिटिव है यहाँ पे और ओ के बाद बेटा आ रहा होता है, तो कितना है यहाँ पे पी क्यू आर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। आर का बेटा क्या आता है चीजों को यहाँ पे, आर के बाद आर एस आर एस टी यू एम यू बस। और हम बेटा डी और ए से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी दो आपके नंबर्स चेक किए अल्फाबेट, एम आया और यू आया, प्लस थ्री और माइनस थ्री चीजों को। अब हम और कोडेट करते हैं चीजों को कि एम के बाद बेटा क्या आता है, ओ एम टी एक क्यू बेटा यहाँ पे, तो टी कितने पे आता है माइनस थ्री बेटा, माइनस थ्री मतलब यहाँ पे कितना माइनस थ्री कितना होता है यहाँ आई के बाद बेटा माइनस थ्री मतलब जी सॉरी एफ बस एफ एम यू एफ। तो काउंट बेटा हो गया हमारा कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा करने की कोशिश भी मत करना और जरूरत भी नहीं, ऑप्शन निकला है आपके दो वर्डों में ही सोच के बेटा चीजों को यहाँ पर। तो इस प्रकार से चीजों को यहाँ पर निकाल सकते चीजों को। चलिए स्टार्ट करिए। आपसे बोलेगा कोड इज रिटन गोल्ड इज रिटन होम, जो गोल्ड को लिख पा रहे हैं हम लोग चीजों के यहाँ पर होम एच ओ एम ई एच ओ एम ई। कम इज कोडेड कम इज कोडेड डन डन एंड कोड कोड किया जा रहा है चीजों कोड डॉस डी ओ एस ई डॉस। हाउ गुड यू सन बेटा इसको कोड को बताना है कि एस ओ एन एस इसका कोड क्या हो चीजों को। अब बताइए बेटा चीजों को अब क्या हो निकाल सकते चीजों को। आप इसमें चेक कीजिए यहां पर चीजों को, इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों बेटा कॉमन क्या चीजों को यहाँ पे, और तो आप इसमें कुछ निकाल नहीं सकते चीजों को यहाँ पे, और कुछ निकाल सकते हैं चीजों को पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा चीजों को। या फिर एक वर्डिंग बेटा आ सकती है चीजों को जो आप निकाल सकते चीजों को यहाँ पे, और कोई बेटे से चांस है नहीं निकालने के लिए। अब देखिए जी के बाद बेटा कितना एच पॉजिटिव वन, ओ सेम है बेटा चीजों को एल पॉजिटिव वन और डी नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन। मतलब क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव वन सेम पॉजिटिव वन नेगेटिव वन और पॉजिटिव वन चीजों को यहाँ पे, मतलब इतने इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से यहाँ भी निकाल सकते हैं चीजों को कि टी कितना आ रहा है यहाँ पे टी के बाद बेटा पॉजिटिव वन टी ओ सेम रहेगा बेटा चीजों को यहाँ पे ओ सेम रहेगा चीजों को और फिर नेगेटिव बने यहाँ पे एम का बेटा कितना यहाँ पे एम और एस पॉजिटिव बन बेटा चीजों को यहाँ पे सेम एस टोम्स
अच्छा जी, और फ्रेंड मित्र मैच कर रहा बेटे चीजों को, हम डायरेक्टली लिख लें बेटे चीजों को, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लें यहाँ पे। सही तो यार है, यहाँ पे यही तो बढ़ रहा है चीजों को, हर चीज यहाँ पे लिखिए। एस का बेटा कितना आएगा, टी आएगा, ओ सेम रह रहा है यहाँ पे, एन का बेटा कितना आएगा, एन के बाद पहले एम, डी वाई बेटा ई, डी के बाद बेटा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे टी, टी एन टी ए बेटा, यहाँ पे एन होने, एम होने चाहिए बेटा, कितना यहाँ पे डी ऑफ का बेटा, टी ओ एम टी, टी ओ एम टी मतलब ऑप्शन बेटा मेरे पास आ रहा है टी ओ एम टी। चलिए स्टार्ट, अब कोडिंग कीजिए बेटे। यहाँ पे आपसे बोले जा रहा है कि इफ ई एच एफ एन आर क्यू, ए है मेरे पास, इसका कोड लिख रहा है बेटा एच को, बी ई सी के ओ एन। अब यहाँ पे देन वर्ड इज कोट, वर्ड बेटा इज कोट, और आपको कोड करना है क्यू डी एफ डब्ल्यू एक्स यू एल क्यू, इसको कोड करना है क्यू डी एफ डब्ल्यू एक्स यू एल क्यू, इतना कोड करना बेटा, इस चीज को कोड करना है। और मेरे पास नंबर्स रखे हैं ई एच एफ एन आर क्यू। अब चेक कीजिए बेटा यहाँ पर, एक मिनट सोचिए, थोड़ा सा थोड़ा सोचिए कि ये जो कोडिंग बेटा जस्ट अपोजिट बेटा दिखाई दे रही चीजों को, यहाँ पर अपोजिट बेटा यहाँ पर दिखाई दे रही चीजों को। अब चेक कीजिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे माइनस बी के बाद कितना, मतलब सी डी ई एफ, सी डी ई माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस थ्री और ये माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, सब कुछ वहां पे माइनस थ्री बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा एन, एन माइनस थ्री पे आता है, डी बेटा माइनस थ्री के अंदर कितना ए, एफ का बेटा कितना माइनस थ्री कितना होता है यहाँ पे डी, सॉरी सी, सी एन ए सी, एन ए सी मतलब बेटा एन ए सी, ए कैंसल आउट, ए कैंसल आउट, एन ए सी, एन ए सी मतलब कि दो चीज बेटा यहाँ पे चल रही है माइनस थ्री बेटा। और डब्ल्यू का बेटा कितना होता है माइनस थ्री यहाँ पे, डब्ल्यू का यू डी यू टी, एक्स का बेटा यू, यू के बेटा आगे थ्री कितना हो जाएगा आर, और एल का बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आई, और क्यू के बेटा आगे यहाँ पे एन। बस चेक कीजिए यहाँ पे एन ए सी टी, एन ए सी टी यू आर आई एन, डी ऑफर इज द राइट आंसर, डी ऑफर इज द राइट आंसर। आप इस नंबर को चेक करेंगे अल्फाबेट को कि माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, इस सब चीजों से यहाँ पे बढ़ रहा है बेटा, यहाँ चीजों को बढ़ रहा है कंट्यूशन, तो हर नंबर में मेरे पास माइनस थ्री बेटा यहाँ पे लेना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि इन सर्टेन कोड स्विच, जो स्विच है उसको कोड किया जा रहा है एस डब्ल्यू आई टी सी एच, और रिटर्न इसको हम रिटर्न कर सकते हैं टी बी जे एस डी जी, विच बर्ड्स वुड बी रिटर्न सी क्यू एफ जेड ई, इसको कोड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक सी क्यू एफ जेड ई इसको कोड करना है। और मेरे पास कोडिंग के लिए रखा है बेटा यहाँ पे कितना स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच, तो एस का बेटा कितना आता है एस के जस्ट आगे प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन, बस बेटा काम खत्म, प्लस वन,
D minus 1 P plus 1 D minus 1 Y plus 1 F D P G Y F. That's what we are on. कुछ कोड है बेटा यहाँ पे, तो एस का इनवर्टर बन जा रहा है चीजों को. ऑप्शन में बेटा इधर गलत आंसर, ऑप्शन में बेटा गलत है, ए बेटा ऑप्शन होगा मेरा यहाँ पे डी पी जी वाई एफ. ठीक, ये बेटा राइट आंसर मेरे चीजों को. ठीक, ए आंसर. चलिए आप लिखिए, इन सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज मशीन इज कोटेड. मशीन को कोड किया जा रहा है चीजों को, यहाँ पर मशीन को कोड किया जा रहा है, मशीन को कोड कर पा रहे हम लोग. L B B I H O D मशीन को इतना कर रहे हैं. देन विच बर्ड्स वुड बी कोटेड S L T M F N B. इसको कोड करना, अब कैसे कोड करेंगे चीजों को. M के जस्ट पहले बेटा क्या आता है, L मतलब माइनस वन, माइनस वन R, माइनस वन बेटा यहां वन R. स्टार्टिंग बेटा R से हुई, दो ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. इससे बेटा हम एलिमिनेशन बेटा पास यहां मेथड भी यूज कर सकते हैं चीजों को. जो दो ऑप्शन बेटा मेरे पास फर्स्ट स्टार्टिंग किससे हो गया, यहां पे R से हो गया. अब A के बाद बेटा क्या आता है, बी पॉजिटिव वन. एल का बेटा कितना आता है, एम नेगेटिव और पॉजिटिव एम आर एम. बस एक कैंसिल आउट और सी इज द राइट आंसर. ए कैंसिल आउट, सी इज द राइट आंसर. यहां पर आर एम एस एन ई ओ. ठीक है, ए बेटा मेरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अब पीछे बेटा और निकालने कोई मतलब नहीं बैठता चीजों को. एल का बेटा ई के बाद कितना होता है, लास्ट वाला भी मेरे पास माइनस वन आएगा, और इसका बेटा माइनस वन बेटा कितना जाएगा, ए बस. और इसमें तो वैसे भी मेरे पास कितना ए है, लेकिन ओ नहीं है यहाँ पर चीजों को, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बस पूरा कोडिंग निकालना ही नहीं जाता बेटा चीजों को, बस स्टार्टिंग में कीजिए. ये होता बेटा क्या, कोडिंग चीजों को यहाँ पे निकालना आसान चीजों को यहाँ पे. अपने वर्डों में इसको हम आसान वर्डों में यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे. चलिए स्टार्ट. इन ए सर्टेन कोड इनएक्टिव, इनएक्टिव आई एन ए सी टी आई बी अनएक्टिव इज कोडेड. अब देखिए बेटा यहाँ चीजों को, अब देखिए यहाँ पे ए वर्डिंग और ए वर्डिंग सारे एक से बेटे यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, इसके कोड जो दे रहा है यहाँ पे बी आई टी सी ए एन आई ई. बस भाई साहब ये चीज यहाँ पे, और मेरे पास बेटा बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर इसका कोड बताना है. कंप्यूटर ए तो मेरे पास सेम रहेगा आर, क्योंकि इसका नंबर्स ए ऑलवेज सेम दिखाई दे रहा चीजों को. लेकिन अब देखिए लास्ट सेकंड लास्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चीजों को यहाँ पे ई ई ई और लास्ट एम. बस ए कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट और डी कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पी से स्टार्ट हो रहा है और एम से स्टार्ट, मतलब कितना पर बी ऑप्शन. स्टार्टिंग देखिए आप, क्योंकि आपको देख रहे हैं नंबर ये पूरे सेम है, आई यहां है, आई यहां है, एन यहां है, एन यहां है, ए यहां है, ए यहां है, सी यहां है, सी यहां है, टी यहां है, टी यहां है, आई यहां है, आई यहां पे, और ई बी पूरे तो कोड दिखाई दे रहे हैं यहां पे. तो लिखा क्या बेटा, कंप्यूटर.
और इसमें ई क्या है कि सेम बेटा, तो सेम नंबर पर सेम प्लेस पर। जब मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी तब मैंने आपसे कुछ वर्डिंग बोली हुई थी कि जब भी कोई आपका ऐसा अल्फाबेट नंबर आए जो कोड कर रहा हो सेम अल्फाबेट नंबरों को, सेम अल्फाबेट नंबरों को कोड कर रहा हो चीनों को, तो क्या होता है उसके ओनली पोजीशन दिखने हैं कि किस प्लेस पर वो विराजमान है हमेशा, ठीक है ना। इसके बेटा प्लेसमेंट, उसका प्लेस क्या है, प्लेस नंबर क्या है, पोजीशन क्या है उसकी, बस वही पोजीशन मैंने चेक किया और मेरे मिनटों में क्या सेकंडों में आंसर आ गया चीनों को। सर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा, आप चेक कीजिए पूरा दिखाई दे रहा है बेटा, कवेरी का ए बी ई आर आर आई कवेरी बी ए के आई आर ई, बस नंबर देखिए सेम है, कोड करना है मैसूर, मैसूर कोड करना है बेटा चीनों को। आप चेक कीजिए यहां पे स्टार्ट कहां से हो रहा, फर्स्ट कोड का थर्ड स्टार्टिंग, इसका थर्ड एस स्टार्टिंग यहां पे एस, और उसके जस्ट बगल वाला यहां पे एंड में कर देना चीनों को ओ। बच्चे कितने, चार बर्डिंग ने यहाँ पे, अब चार बर्डिंग में यूज कर लेंगे चीजों को। यहाँ पे एक सेम आ गया, वाई सेम आ गया चीजों को, आर यहाँ सेम आ गया, ठीक है सेम आ गया यहाँ पे। बच्चा कितना बेटा यहाँ पे एम और ई, एस वाई एम ई आर ओ, एस वाई एम ई आर ओ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक कीजिए प्लेस वैल्यू चेक किए बेटा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, उसकी प्लेस वैल्यू चेक किए कि कौन सा बर्डिंग कहाँ है, क्योंकि मुझे लिखा कि सारे के सारे बर्डिंग यहाँ पे आपके सिमिलर हो रहे हैं, तो पास मैचिंग कर रहे हैं चीजों को। जब मैचिंग कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो बस आप इस प्रकार से कोड निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे, और इसी आराम से कोडिंग को किया जाता है चीजों को यहाँ पे, ठीक है। इतना बच्चों क्लियर हो गया, चलिए स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट सवाल। ये रहा नेक्स्ट सवाल, इफ स्पाइडर इज रिटन स्पाइडर एस पी आई डी ई आर, इसको रिटन कर डा रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे पी एस डी आई आर ई, ठीक है, इन ए कोड सर्टेन कोड then could be common c o n m o n o n be written in this code, written in code। अब चेक कीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर यहां से फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब ओ से यहाँ पे स्टार्ट होगा, ओ से बेटे सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, कोई बात नहीं यहाँ पे चीनों को, और ए S, C, I और D, पहले M, N और N और फिर O, C O, सॉरी O C M N N O, कॉमन है बेटे यहाँ एम होगा बेटा शुरू को, एम एम एन ओ, ओ सी डबल एम एन ओ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ओनली प्लेस वैल्यू आपको चेक आउट करना है चीजों को। चलिए ए रहा आपके पास, ए है आपके पास 10 सेकेंड,
चेक आउट कीजिए सवाल को 10 सेकंड। हो गया बेटा, हो गया बेटा। आप देखिए, इन इफ सर्टेन कोड लैंग्वेज सी ओ एन डी ई एम एन is written, आप चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे सेम नंबर है, कोई बात नहीं, हम ओनली बेटा प्लेस वैल्यू चेक करेंगे। सी एन ओ डी एम ई एन, आप बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वैल्यू यहाँ पे चीजों को, और कोड कौन सा नंबर करना है मुझे, टीचर को कोड करना है बेटा चीजों को, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर को कोड करना है बेटा चीजों को, मतलब यहाँ पे लास्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे सेम रहेगा चीजों को, ठीक, यहाँ यहाँ का स्टार्टिंग का टी कॉमन रहेगा चीजों को, सेम रहेगा, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे एकदम परफेक्ट है यहाँ पर, और दो नंबर को छोड़ के मतलब ए बी बेटा मेरे पास यहाँ पर सेम रहेगा, तो यहाँ पे ए आ रहा है और ई आ रहा है, देखो यहाँ पे ई आ रहा है और एच आ रहा है, क्योंकि ए नंबर्स फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ और सेवेंथ नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, प्लेस नंबर इनका सेम है यहाँ पे, तो मैं यहाँ भी सेम ले लूंगा चीजों को, कि ए सेम और ए भी सेम हो रहा है, तो लास्ट के जो अंदर के दो नंबर ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा यहाँ पर, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए यहाँ पे प्लेस क्रॉस इनक्यूएटर वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही चीजों को, आप ओनली बस इतना बेटा, यही बर्डिंग मैंने भी की चीजों को यहाँ पर, ठीक है, टी ए ई सी ई एच आर, टी ए टी ए ई सी एच ई एच आर, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर चीजों को यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ए इन सर्टेन कोड दिसंबर इज रिटन, दिसंबर डी ई सी ई एम डी ई आर ई आर एम डी सी ई डी ई, इतना बेटा चीजों को। चलिए, और बिच कोड करना है बेटा आपके पास यहाँ पे, ई आर एम बी बी एम आर ई एम ई आर एम बी बी ई एन ओ, ए कोड करना है। अब इन नंबरों को चेक कीजिए, क्या ये अल्फाबेट सेम है, सेम है बेटा, मेरे को तो सेम दिख रहे हैं, आप चेक कीजिए यहाँ पे, आप देखिए इसकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग आर और इसकी एन, ठीक है, यहां आर से स्टार्ट हो रहा कुछ बेटा यहां पर चीजों को, आर लास्ट में एन, चेक करते हैं यहाँ पे चीजों को, कहीं अपन एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, एम चार खत्म, बी बी सी ए सी ए आर आर डी, सही तो है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा बेटा चीज़ों को, मैं मैच कर देता हूँ चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है चीज़ों को, ठीक है, तो मैंने पूरा लिख लिया चीज़ों को, यहाँ पे एन से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आर स्टार्ट हो चुके,
लास्ट वाला यहाँ पे ओ, क्योंकि ए यहाँ जा रहा है चीजों को, ठीक है, ए यहाँ जा रहा है चीजों को, बस प्लेस वैल्यू यहाँ चीजों को, और लास्ट वाला यहाँ पे ई एम और बी, मतलब बेटे यहाँ चीजों का क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसकी जस्ट पे बटाने वाले चीजों को बी और ई, बी और ई बेटा चीजों को यहाँ पे बच्चा क्या चीजों को यहाँ पे बी और ई, बच्चा क्या है ये वाले टर्म्स होते हैं, आप यहाँ ले जाओ उसको और डी बेटा यहाँ पर लगा दो बस यहाँ पे डी और एम, ए बेटा आएगा आर ओ बी ई एम बी डी एन, ए होगा बेटा पास आर ओ बी ई एम बी डी एन, ए होगा बेटा मेरे पास क्या इसका कोडिंग बेटा। अब आपसे बोलेंगे इन सर्टेन कोड स्टोप एस टी ओ डी ई स्टोप इन रिटन बाई एफ एन डी एल के देन हाउ विल बोट बी ए रिटन बाई कोड्स, बोट्स का कोड क्या होगा चीजों को अब चेक कीजिए यहाँ पर। अब आपको दिक्कत हो सकती है चीजों को क्योंकि अब आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू अल्फाबेट है, इसके अल्फाबेट के नंबर मालूम होने चाहिए, अल्फाबेट के यहाँ पर नंबर मालूम होना चाहिए तब वो निकल पाएगा चीजों को। और बेटा कोई इसमें आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे यहाँ चेक कीजिए अब क्या हो रहा है यहाँ चीजों को, हाँ ई बेटा क्या यहाँ पर स्टार्ट होता है, ई वाला बेटा क्या आता है एफ आता है तो पॉजिटिव वन लास्ट से, अब लास्ट बेटा पॉजिटिव वन यहाँ पर कितना है यहाँ पर टी पॉजिटिव वन, और कहीं टी कहीं दिख रहा है चीजों को, कहीं टी दिख रहा है चीजों को, क्योंकि और तो मेरे पास यहाँ पर कुछ है नहीं है, बोर्ड दे रखा है यहाँ पर चीजों को सेटन बोट्स स्टोप्स दे रखा है एफ एन बी के एल, बी के एल और बोट्स निकालना है तो बोट्स के बेटा का ऑप्शन क्या हो सकता है चीजों को। अब बोट्स के ऑप्शन के लिए मुझे मेरे पास बस यही एक टर्म्स हो सकते हैं, या तो फिर मैं इसका नंबर ले लूँ डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको इस पर काफी लिख लूँ बेटा यहाँ पर, नहीं आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था इस पर काफी लिख सकता हूँ चीजों को एस टी ओ बी इतना है बेटा चीजों को, और मेरे पास इसका कोड है एफ एन बी एल के, कोड बेटा बोला जा रहा है चीजों को बोट्स बी ओ टी ई एस बोट्स, ठीक है बोट्स बेटा चीजों को यहाँ पे पॉजिटिव वन और क्या यहाँ पे और तो इसमें देखेंगे, चलिए इसको आप लगा सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसको सुना भी एक मिनट में बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक इसको देखिए आप आपके पास है 10 सेकेंड उतारिए बेटा इसको 10 सेकेंड आपके पास,
ठीक है बेटा, ए है बेटा, ए आप देखो इसको, देखो टिक बटन यहाँ पे, एफ एन बी एल के। आप बेटा चेक कर सकते हैं चीजों को यहाँ पर कि आप एस और एफ के बीच बेटा कितना अंतर है यहाँ पर चीजों को। आप ए बी सी डी एफ डी एच एफ डी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप देखिए बेटा एस बन रहा है आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14, ठीक है, वो भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव बेटा जा रहा है यहाँ पे। टी के बाद बेटा कहाँ जा रहा है हम यहाँ पे, टी के बाद 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव माइनस 6 बेटा चुने को। अब 14 बेटा यहाँ लीजिए आप यहाँ पे 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, ये पॉजिटिव आई बेटे 14 ले रहा चीजों को, 14। या तो फिर आप ऐसे कीजिए चीजों को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14 14 14 14 14 14, यह तो फिर बेटा आपके पास ए हो सकता है चीज़ों को यहाँ पे कि आप इसको और भी बेटा वर्डों में लिख सकते हैं चीज़ों को यहाँ पर कि क्या रखा है, स्टॉप एस टी बी ई ए है और एफ एन बी के एल के, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो कितने बेटे यहाँ पे 8 और 6 काउंट हो रहे चीज़ों को यहाँ पे, तो मैं ऊपर से नीचे से कर सकता हूँ बेटे चीज़ों को कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8, क्योंकि हम मिडल में भी नहीं चेक कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, बताता हूँ बेटा मैं आपको करने कुछ, ठीक है ना। चलिए ये वाला आंसर देख, बताइए आपकी इसका आंसर बताइए आप चीज़ों को अभी। ठीक है हालांकि जो इसका आंसर होगा बेटा वो बी ऑप्शन बेटा होगा इस चीज़ों को, लेकिन आप मैं चेक करता हूँ उस चीज को, ठीक है ना। ए होमवर्क में है और ए भी आपका होमवर्क में चुने को, ठीक है। 16 से कल स्टार्ट करते हैं जो, तो बेटा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते जाइए, और हमारे चैनल बेटा यहाँ पर कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि बेटा पेपर को हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि और भी लेनेसी लिया जाए पेपर को कि हाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमारे पास अब बेटा टाइम नहीं है। तो चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।